दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और बहुत ही काम की वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बारे में। हमने इससे पहले न्यूज़ में देखा कि जो 5 स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए, इसमें बहुत सारी पार्टियों ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन में जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन, इसमें गड़बड़ी हुई। और इन पार्टियों में जो इल्ज़ाम लगाने वाली पार्टियाँ थी, वो बीएसपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो देखते हैं कि ये जो गड़बड़ी ना हो और इसमें इलेक्शन में और ट्रांसपेरेंसी आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। बहुत ही नॉलेजेबल है, देखते हैं। ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड लगभग 16 पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को मेमोरेंडम पेश किए थे कि पेपर बैलेट सिस्टम लाया जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेटिंग मशीन, ईवीएम मशीन है इलेक्शन में, इसे हटाया जाए और पेपर बैलेट सिस्टम लाया जाए। इलेक्शन कमीशन का स्टैंड था कि इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, ये बहुत ही सिक्योर है। बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था 2013 में कि 2014 में ही एक मशीन इंट्रोड्यूस की जाए जिसका नाम था वीवीपीएटी। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन है, ये एक तरीके का प्रिंटर है। ये क्या होगा कि जब वोटर अपना वोट कास्ट करेगा, ईवीएम में बटन प्रेस करेगा कोई भी पार्टी का, तो उससे उसमें एक स्लिप प्रिंट होगी जो वो वीवीपीएटी मशीन के अंदर ही से दिखाई देगी। एक ग्लास का केस होगा, वो ग्लास केस से ही दिखाई देगी 7 सेकंड के लिए। तो जो वोटर है वो मशीन को देख लेगा 7 सेकंड में, और फिर उसके बाद जो स्लिप है वो ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप बॉक्स में वहीं से गिर जाएगी। ये स्लिप पे होगा क्या, सीरियल नंबर होगा, जो वोटर है उसका नाम होगा और जो पार्टी को उसने वोट दिया तो सिंबल होगा। मतलब ये कि अब जो वोटर है वो सेटिस्फाई हो सकता है कि भाई मैंने जिस पार्टी को वोट दिया है वही पार्टी को मेरा वोट कास्ट हुआ है। और अगर कोई कैंडिडेट जिसको कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको ये फील होता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करेगा और फिर ये जो स्लिप्स जो इस है इसकी काउंटिंग होगी। दोस्तों, देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था 2013 में कि 2014 का ही जो जनरल इलेक्शन हो, इसमें ये वीवीपीटी मशीन यूज़ होना जाना चाहिए ताकि जो वोटर का कॉन्फिडेंस है इससे बढ़े और इलेक्शन में एक ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन ये नहीं हो सका। खैर, अभी ये सुनने में आया है कि गुजरात इलेक्शन में ये मशीन यूज़ होगी, इसके अलावा 2019 के जनरल इलेक्शन में तो ज़रूर ही यूज़ होगी। इसके अलावा ये लगभग इलेक्शन कमीशन ने 16,15,000 यूनिट्स के ऑर्डर किए हैं और इस पे अराउंड 3,173.47 करोड़ की लागत है। और इसको बनाने वाली जो कंपनियां हैं इंडिया की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, ये बेंगलुरु बेस्ड है। और इसके अलावा एक और मशीन जो है वो है, एक और कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल, ये हैदराबाद बेस है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है आप कुछ और ऐड इसमें कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी फायदेमंद है तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।